नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश को आतंकी साजिश के जरिए दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जी हां, जानकारी आपको दे दे, कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के एडीजी ने कहा है कि सीधे सीधे अलकायदा के गजवातुल हिंद संगठन से लेना देना उन आतंकियों का जिन्हें लखनऊ के काकोरी इलाके में पकड़ा गया है। लखनऊ के काकोरी इलाके से दरअसल दो आतंकियों को धर दबोचा है यूपी पुलिस और एटीएस ने। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि बड़े आतंकी खेल का प्लान था इनके हाथों में। चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े धमाके की साजिश थी। कुकर बॉम्ब के जरिए विस्फोटक वहां से बरामद किए गए हैं। इन सब के जरिए उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी और इसी में बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम ने आज काकोरी इलाके में इन आतंकियों को धर दबोचा है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद ही कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। जो बड़ी बातें थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान से जुड़े हैं गिरफ्तार आतंकियों के तार, अलकायदा के गजवातुल हिंद के हैं गिरफ्तार आतंकी। 15 अगस्त से पहले थी विस्फोट की एक बड़ी साजिश, अलग अलग जगहों पर विस्फोट कराने की साजिश थी। लखनऊ समेत पूरे यूपी में ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी। आतंकियों के कुछ साथी कानपुर में भी छिपे थे, ऐसी जानकारी भी प्रशांत कुमार ने दी है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश। आतंकी मिनहास के घर से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। मसीरुद्दीन के पास से कुकर बॉम्ब बरामद किया गया है। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा है हैंडलर अल मंडी। लखनऊ से दो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। गिरफ्तार आतंकियों के साथियों की तलाश जारी है। मिनाज अहमद, मसीरुद्दीन और दोनों आतंकी के, ये जो दोनों आतंकी हैं उनके नाम है। 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने की ये बड़ी कामयाबी। कहा जाए कि सिराज के जो तीन बैग थे उनको ले जाया गया था, सिराज के तीन बैग को ले गई थी यूपी एटीएस और उसके बाद से ये लगातार जो ऑपरेशन संतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, काकोरी में इस वक्त क्या हो रहा है? दोपहर का सन्नाटा खत्म हुआ जब वहां पर अचानक यूपी पुलिस एटीएस इन आतंकियों को धर दबोचती है, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? तस्वीर पूरी दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मिनहास जो पकड़ा गया अलकायदा कनेक्शन में यूपी एटीएस के द्वारा, अभी चंद सेकंड पहले यूपी एटीएस के द्वारा जो मिनहास पकड़ा गया उसके माँ, उसके पिता और उसकी पत्नी को यूपी एटीएस की टीम अपने पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर के गई है और पूछताछ के बाद अब उनको यूपी एटीएस की टीम लगातार लेकर के गई है। मिनहास पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। मिनहास के साथ एक और आरोपी जो था मरियाओं इलाके का, उसको गिरफ्तार किया गया था। ये मिनहास का जो घर है यहीं से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ, जिसको लेकर के यूपी एटीएस के चीफ प्रशांत कुमार ने कहा कि इसी प्रेशर कुकर के दम पर ये 15 अगस्त को निशाना बनाने वाले थे। उत्तर प्रदेश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये अलकायदा के गजवातुल हिंद जो मॉड्यूल था, जिसको कि संभल का एक जो चीफ था अलकायदा का, उसके मारे जाने के बाद ये उस मॉड्यूल से जुड़ गए थे और उसके बाद जो मिनहास जो पकड़ा गया है सिराज के घर में सुबह से छापेमारी की जा रही थी। यूपी एटीएस के द्वारा तीन घरों में छापेमारी की गई, शाहिद, रियाज और सिराज के घर में। सिराज के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। सिराज के बेटे मिनहास से पूछताछ की जा रही है और अब सिराज के मिनहास के पिता सिराज, उनकी माँ और उनकी पत्नी को भी यूपी एटीएस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। जी,